सर्दियों के सबसे पसंदीदा डेजर्ट की अगर बात की जाए तो वो है मूंग दाल हलवा और गाजर का हलवा। ये दो डेजर्ट सर्दियों में लगभग सभी घरों में बनाया जाता है और लोग इसे बड़े चाव से खाते भी हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि इन्हें बनाने में बहुत मेहनत है, बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए लोग इसे बनाने से कतराते हैं और बाजार से खरीद कर खाते हैं। तो आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान तरीके से दानेदार और बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल का हलवा एकदम हलवाई स्टाइल बनाकर घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसमें ना तो आपको रात भर दाल को भिगोकर रखने की जरूरत है और ना ही घंटों खड़े रहकर हलवे को चलाते रहने की, फिर भी ये हलवा एकदम मज़ेदार बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए इससे पहले की अमेजिंग मूंग दाल हलवा की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। और अगर मूंग दाल हलवा की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक बटन दबाकर मुझे एक थम्स अप देना बिल्कुल ना भूले और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक दिस अमेजिंग वेरी डिलीशियस मूंग दाल हलवा। तो इस हलवा को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए है 2 कटोरी धुली मूंग दाल और इस कटोरी से मैंने इसे नापा था तो ये 2 कटोरी भर के मैंने मूंग दाल यहाँ पे लिया है। अब मैं इसे साफ पानी से 3-4 बार धो लूंगी। हमने यहाँ इस दाल को रात भर भिगोकर नहीं रखना है लेकिन इसे बनाने से पहले हमें इसे धोना जरूरी है ताकि इसकी प्रोसेसिंग और इसकी पॉलिशिंग के वक्त इसके ऊपर जो भी केमिकल्स लगे हों वो पानी के साथ निकल जाए। तो मैं इसे 3-4 बार अच्छे से साफ पानी से धो लूंगी। मैं ये हलवा एक पार्टी के लिए बना रही हूँ जिसमें कि करीब 15 लोग आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी दाल लिया है। अगर आप केवल अपनी फैमिली के लिए बनाना चाहते हैं जिसमें कि 4 या 5 मेंबर्स हैं तो आप 1 कटोरी दाल लें, वो काफ़ी सफिशियंट होगा एक फैमिली के लिए। और अगर आप 1 कटोरी दाल ले रहे हैं तो बाकी इंग्रेडिएंट्स भी आप उसी हिसाब से मेजर करके लीजिएगा। तो मैंने दाल को यहाँ पे अच्छे से धो लिया है। अब इसके पानी को हम निकाल लेंगे और एक छन्नी में इस दाल को हम ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे बोल में इकट्ठा हो जाए। तो आज मूंग दाल हलवा बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसमें कि आप बिना किसी झंझट के बहुत ही आराम से और बहुत ही कम समय में एकदम मज़ेदार मूंग दाल हलवा बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए अब इस दाल को हम एक साफ और सूखे कपड़े में ट्रांसफर कर देंगे और अब मैं इसे ऐसे ही 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से सूख जाए। और ये देखिए 1 घंटे के बाद सारा जो एक्स्ट्रा पानी था वो इस कपड़े ने सोख लिया है और हमारी दाल अच्छे से सूख गई है। तो मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अगर आप दाल को जल्दी सुखाना चाहते हैं तो आप इसे पंखे के नीचे भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। आप में से किस किस को मूंग दाल हलवा पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना मत भूलिएगा। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। गाजर का हलवा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में। तो चलिए अब हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एकदम कम आँच पर लगातार चलाते हुए हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। तब तक हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर चेंज ना हो जाए। मैंने 2 कटोरी दाल लिया था तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी तो इसे रोस्ट करने में मुझे करीब 20 मिनट लग गए और 1 कटोरी दाल को रोस्ट करने में आपको करीब 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो बहुत ही जल्दी ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो लगातार आपने इसको चलाते रहना है, आँच को एकदम कम पर रखना है और देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। ये एकदम हल्के ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ये देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अब हमने इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो दाल अच्छे से ठंडी हो चुकी है, मैं इसे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। हमने इसका एक दरदरा पाउडर बना के तैयार करना है। याद रखिएगा आपने इसको बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है और हमने इस दाल को पल्स मोड पे पीसना है, यानी कि आपने मशीन को लगातार नहीं चलाना है, आपने बीच बीच में कुछ कुछ सेकेंड्स के लिए इसको रोकते हुए चलाना है। और ये देखिए हमारा दाल का पाउडर बिल्कुल तैयार है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। बहुत बारीक नहीं पीसा है मैंने इसे, थोड़ा सा दरदरा है, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से थोड़ा सा दानेदार होना चाहिए तभी आपका मूंग दाल का हलवा जो है वो मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो ये बिल्कुल रेडी है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेती हूँ। और अभी कटोरी में मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा हल्का गर्म दूध, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से केसर के धागे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे आपस में और अब मैं इसे करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और अभी कढ़ाई में मैं यहाँ पे ले लूंगी 1 कटोरी देसी घी। तो दाल और घी का रेशियो 2:1 होगा। 2 कटोरी दाल के साथ मैं यहाँ पे 1 कटोरी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप 1 कटोरी दाल से ये हलवा बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आधी कटोरी घी का आपने इसमें इस्तेमाल करना है। तो घी को हम अच्छे से पिघलने देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो देखिए घी अच्छे से पिघल चुका है, थोड़ा सा गर्म भी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे करीब 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम काजू और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्के सुनहरे कलर के ना हो जाएं।
इन्हें फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ ही सेकंड्स में ये अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए ये हल्के सुनहरे कलर के हो गए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इनमें से। और अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। हलवे में जब तक अच्छे से घी न डला हो और अच्छे से ड्राई फ्रूट्स न डले हैं, हलवे का स्वाद ही नहीं आता है। तो कोई भी हलवा बनाते वक्त घी और ड्राई फ्रूट्स डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, अच्छे से डालें, तभी आपका हलवा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अभी से घी में मैं डाल दूंगी दाल का पाउडर, जिसको कि हमने पहले ही ग्राइंड करके तैयार करके रखा था। इस समय आपने आंच को एकदम कम पर रखना है, या फिर थोड़ी देर के लिए आप फ्लेम को ऑफ कर दें। दाल को डालने के बाद दोबारा से फ्लेम ऑन कर लें और एकदम कम आंच पर अब हम इसे भुनेंगे। ये 2 कटोरी दाल का पाउडर है, तो इसे भुनने में मुझे करीब 9 से 10 मिनट लगे। अगर 1 कटोरी दाल है तो उसको भुनने में आपको करीब 5 मिनट लगेंगे। फ्लेम को आपने एकदम लो पर रखना है और इसी तरह से लगातार चलाते हुए आपने इसको भुनना है, एकदम पेशेंस के साथ। और ये चेक करने के लिए कि ये अच्छे से भुना है कि नहीं, थोड़ा सा पानी छिड़कें, और अगर आपको ऊपर झाग नजर आए तो इसका मतलब ये अच्छे से भुन चुका है। ये एक बहुत ही बढ़िया टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है चीनी डालने के बाद। और चीनी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब 2 लीटर हल्का गर्म दूध। दूध को आपने धीरे धीरे डालना है और साथ साथ चलाते भी जाना है ताकि कोई लंप न बने। थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि इसके छींटे उठते हैं, आपका हाथ भी जल सकता है, तो हाथ को थोड़ा दूर रखकर ही आप इसे चलाएं और लगातार चलाते रहें ताकि कोई गांठ न बने। अगर आप 1 कटोरी दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 1 लीटर दूध डालें। अब हम इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ सैफ्रन मिल्क। अभी आपको लग रहा होगा कि दूध बहुत ज़्यादा डाला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे ये अपने आप गाढ़ा होने लगेगा। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई पर रखना है और इसी तरह से लगातार चलाते हुए आप इसे पकाते रहें। और आपने फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तेमाल करना है, अगर आप चाहे तो दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूध में पकाएंगे हलवे को तो इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही रिच ये बनकर तैयार होता है। तो देखिए इसी तरह से आपने इसको लगातार चलाते रहना है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हलवा धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है, दाल ने मिल्क को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है और दाल जो है काफी सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच देसी घी। ऊपर से देसी घी डालने की वजह से क्या होता है कि एक तो बहुत बढ़िया टेक्सचर आता है, साथ में इसका फ्लेवर भी इनहेंस हो जाता है, और ऊपर से घी डालने की वजह से ये जल्दी पककर तैयार होता है। और घी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको कि मैंने फ्राई करके तैयार किया था, इनको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इन्हें साबुत भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको भी हम हलवे के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम हलवे को तब तक पकाएंगे जब तक कि साइड में से घी न नजर आने लगे और ये पैन की साइड न छोड़ने लगे। मैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा हलवा बना रही हूँ तो इसको बनाने में मुझे करीब 30 मिनट लगे। 1 कप दाल का हलवा बनाने में आपको करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। और ये देखिए अच्छे से तैयार हो चुका है, काफ़ी दानेदार लग रहा है, साइड में से आपको घी भी नज़र आ रहा होगा और ये पैन की साइड भी छोड़ने लग गया है। तो ये हमारा मूंग दाल हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और फटाफट इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये मज़ेदार सा मूंग दाल हलवा बनाकर तैयार कर लिया है। और यकीन मानिए टेस्ट में ये किसी भी हलवाई की दुकान में बने मूंग दाल हलवे को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकता है, ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए अब मैं इसे थोड़े से केसर और कटे हुए काजू और बादाम से सजा कर तैयार कर लूँगी। तो देखिए हमारा बढ़िया सा एकदम हलवाई स्टाइल मूंग दाल हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करें। सर्दियों में ये हलवा खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और ये हलवा टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो चलिए मैं फटाफट टेस्ट करके बताती हूँ कि ये मूंग दाल हलवा कैसा बनकर तैयार हुआ है। दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, काफ़ी दानेदार ये बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए कितना परफेक्ट ये लग रहा है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी। वाओ ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही बढ़िया बना है, काफ़ी दानेदार, बहुत ही रिच और बहुत ही टेस्टी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मूंग दाल हलवा की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।